दोस्तों हम क्या करते हैं, नॉर्मली जैसे ही ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है तो जितने भी बर्ड होते हैं उन सभी को मटकियां दे देते हैं। और यहाँ दोस्तों ये रेड आईज बकरीज है, आप देखें एल्बिनो और लुटिनो। तो दोस्तों मैं तो बर्ड को काफी बारीकी से नोट करता हूँ, काफी नजदीक से हर एक बर्ड की एक्टिविटी देखता हूँ, और अगर कमजोर बर्ड ब्रीडिंग कर भी देंगे तो कैसी ब्रीडिंग करेंगे, क्या उनकी ब्रीडिंग से हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए इन दो बजीज पैरेट को पकड़ दिया है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हमारे बजीज पैरेट के लिए एक नई कॉलोनी तैयार हो रही है और काफी जल्द वो कॉलोनी भी तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम अपने बजीज पैरेट को वहां रिलीज करेंगे। बजीज पैरेट को वहां पर रिलीज करने के काफी जल्द हम अपने बजीज पैरेट को मटकियां दे देंगे। बाकी जो भी फिंच बर्ड है, जो लव बर्ड है, जो कोकटेल बर्ड है, उनको भी काफी जल्द हम सेपरेट कर देंगे। तो मैंने तो बता दिया कि इस बार मैं कब ले रहा हूँ अपने बर्ड से ब्रीडिंग, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप अपने बर्ड से कब ब्रीडिंग ले रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है उन भाइयों के लिए जो कि नए हैं इस शौक में, या काफी बार पुराने भाई या बर्ड रेगुलर रखने वाले भाई भी गलतियां कर देते हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं, नॉर्मली जैसे ही ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है तो जितने भी बर्ड होते हैं उन सभी को मटकियां दे देते हैं, लेकिन उन सभी बर्ड में से हम ये नहीं देखते कि कौन बर्ड ब्रीडिंग करने के लिए तैयार है और कौन बर्ड ब्रीडिंग नहीं कर सकता या करने के काबिल नहीं है या ब्रीडिंग अच्छी नहीं कर सकता। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक हेल्थी बर्ड अच्छी ब्रीडिंग कर सकता है, उसकी अच्छी ब्रीडिंग एक कमजोर बर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों नॉर्मली जहां पर बर्ड की कॉलोनियां होती है वहां पर कुछ ना कुछ बर्ड तो बीमार रहते हैं और उनमें कमजोरी रहती है बीमारी की। तो दोस्तों मैं तो बर्ड को काफी बारीकी से नोट करता हूँ, काफी नजदीक से हर एक बर्ड की एक्टिविटी देखता हूँ और मैं जानता हूँ कि कौन सा बर्ड कमजोर है, कौन सा बर्ड को बीमारी लगी है या कौन सा बर्ड अब तैयार हो चुका है। तो मैं दोस्तों रेगुलर समय समय पर उस बर्ड की अच्छी केयर करता रहता हूँ तो मेरे सभी बर्ड फिट रहते हैं। लेकिन मेरे सेटअप में दोस्तों कुछ बर्ड कमजोर भी है जिनको इस बार मैंने नोट किया है, अलग किया है। दोस्तों यहाँ पर ये जो बजीज पैरेट है इनका ट्रीटमेंट चल रहा है लूज मोशन का, जो कि सबसे खतरनाक बीमारी है। काफी भाई तो मुझे ये भी कहते हैं कि मोहित भाई लूज मोशन का ट्रीटमेंट काफी मुश्किल से होता है बजीज पैरेट में, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे बर्ड सेटअप पर आज तक कभी भी लूज मोशन की प्रॉब्लम नहीं आई। जो बाहर से न्यू बर्ड आए थे उनमें कुछ बर्ड में जो है थोड़ी सी लूज मोशन की प्रॉब्लम थी, और मैंने जब अपने बजीज पैरेट की कॉलोनी में देखा तो मुझे लगा कुछ बर्ड में हल्के लूज मोशन के सिम्टम्स थे, तो उन सभी बजीज पैरेट को मैंने यहाँ पर अलग किया है। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ कमजोर बर्ड भी दिखाने वाला हूँ कि कमजोर बर्ड कैसे होते हैं, क्या उनकी पहचान होती है, और अगर कमजोर बर्ड ब्रीडिंग कर भी देंगे तो कैसी ब्रीडिंग करेंगे, क्या उनकी ब्रीडिंग से हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहे। सबसे पहले मैं एक बजीज पैरेट को पकड़ता हूँ और उसकी हेल्थ आपको दिखाता हूँ, एक हेल्थी बर्ड और एक कमजोर बर्ड। दोस्तों अगर आप वीडियो को आखिर तक देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि एक हेल्थी बर्ड में और एक कमजोर बर्ड में क्या क्या फर्क होता है। तो दोस्तों फाइनली मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए इन दो बजीज पैरेट को पकड़ दिया है। अब मैं आपको अच्छे से बारीकी से समझाऊंगा कि कौन सा हेल्थी बर्ड होता है, कौन सा कमजोर बर्ड होता है, और कमजोर बर्ड की क्या पहचान होती है, हेल्थी बर्ड की क्या पहचान होती है। ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी फायदेमंद होगा कि काफी बार काफी भाई लोग जब नए बर्ड लेके आते हैं अपने सेटअप के लिए तो उस समय उनको ये पहचान करना काफी जरूरी होती है कि कौन सा हेल्थी बर्ड है, कौन सा वीक बर्ड है। काफी बार काफी भाइयों के द्वारा नए शौकीन भाइयों को कमजोर बर्ड दे दिए जाते हैं जो कि आगे उनके सेटअप पर अच्छी ब्रीडिंग नहीं करते, धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस बजीज पैरेट से कि ये आप नजदीकी से देखें। एक दोस्तों जो राइट एंड में ये वाला, ये है रेनबो बजीज, और एक लेफ्ट एंड में ये है रेड आईज क्रिमिनो बजीज। तो दोस्तों ये अपने घर की ब्रीड का मेल है और ये मैंने अभी बाहर से मंगवाया था। हालांकि जो बाहर से बर्ड आए हैं वो सभी हेल्थी आए हैं, लेकिन एक दो बर्ड कुछ कमजोर आ जाते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, हमारे बर्ड सेटअप में भी जब इतने बर्ड होते हैं तो एक या दो बर्ड तो कमजोर होते ही हैं, वीक होते ही हैं, तो उन बर्ड से हमें ब्रीडिंग नहीं लेनी होती। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो बर्ड है ये जब ब्रीडिंग करेगा तो मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जितना कि ये जो मेल बजीज है ये देगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वही मेल बजीज है जिसको हमने सेपरेट किया था
और इसने हमें काफी अच्छा ब्रीडिंग रिजल्ट भी दिया था। तो दोस्तों आप नजदीकी से एक बार दिखाएं इसकी कलर क्वालिटी, और सबसे पहले दोस्तों हम कंपैरिजन करते हैं साइज से। तो दोस्तों इन दोनों का आप साइज देखें, दोस्तों ये वाला जो साइज है ये आप देखें कितना बड़ा है और ये साइज कितना छोटा है। और दोस्तों आप इनकी बॉडी का साइज देखें, नौ नौ, ये आप देखें दोस्तों पोनियोर बर्ड अपने बजीज पैरेट को परेशान कर रहा है। दोस्तों यहाँ आप देखें ये जो बर्ड है इसको लूज मोशन लगे हुए हैं, और ये जो बर्ड है इसको भी हल्के लूज मोशन लगे हुए हैं, लेकिन इस बर्ड को लूज मोशन लगे ही है और इस बर्ड को लूज मोशन लगे हुए थोड़ा सा टाइम हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर बर्ड की हड्डी होती है, यहाँ से शुरू होती है यहाँ तक हड्डी होती है, ये हड्डी होती है बर्ड की। और दोस्तों हड्डी के साइड साइड में ये जो भाग है दोस्तों ये होती है बर्ड की हेल्थ, यहाँ पर जो होती है ये बर्ड की हेल्थ होती है। अब मैं आपको इस बर्ड में दिखाता हूँ, ये बर्ड दोस्तों हेल्थी है लेकिन लूज मोशन की वजह से धीरे धीरे ये भी कमजोर हो रहा है, लेकिन अभी तक कमजोर हुआ नहीं है जितना कि ये बर्ड कमजोर है। दोस्तों यहाँ पर जिन बर्ड की हड्डी निकली होती है, ज्यादा हड्डी निकली होती है, कमजोर होते हैं बर्ड, सिकुड़ जाते हैं धीरे धीरे, उसको बोलते हैं सूखड़े में आया हुआ बर्ड। तो उन बर्ड से ब्रीडिंग नहीं लेनी होती। सबसे पहले तो दोस्तों बर्ड के लूज मोशन का ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर इस पिंजरे में, जब इन बर्ड का लूज मोशन सही हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये बर्ड हेल्थी कैसे होंगे फिर से। दोस्तों लूज मोशन होने के बाद बर्ड काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, फिर कमजोरी जो होती है लूज मोशन की, उस कमजोरी को दोस्तों सही करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीजें बर्ड को देनी होती है। उसके बाद बर्ड को देने होते हैं विटामिन और कैल्शियम, अभी हम इनको कुछ नहीं देंगे। अभी दोस्तों अगर हम इनको विटामिन और कैल्शियम दे देंगे तो ये और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। तो दोस्तों इन बर्ड को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, वापिस छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने आप सभी को ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से एक हेल्थी बर्ड और एक कमजोर बर्ड में पहचान की जाती है, क्या क्या तरीके होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, तो आपको ये समझ जरूर आया होगा कि कौन से बर्ड से हमें ब्रीडिंग लेनी है, कौन से बर्ड से ब्रीडिंग नहीं लेनी। अब दोस्तों मैं जैसे ही कॉलोनी में मटकियां लगाऊंगा तो इन बर्ड को कॉलोनी में रिलीज नहीं करूंगा, जो हेल्थी बर्ड है उनको हम कॉलोनी में रिलीज करेंगे, और जो कमजोर बर्ड है इनका ट्रीटमेंट चलता रहेगा। जब ये हेल्थी हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, मुझे लगेगा कि हाँ अब ये ब्रीडिंग करने लायक है, उस समय इनको भी मैं कॉलोनी में शिफ्ट कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी जरूर करें, ताकि हम आप सभी के लिए ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें और आप उन वीडियो को सबसे पहले देखते रहें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स। Thank you.